देवोलीना भट्टाचार्य जी की वॉयलेंट और अग्रेसिव गेम पर अब एजाज खान का बड़ा बयान आया है। ये तो आप जानते ही हैं कि देवोलीना बिग बॉस के अंदर एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर गई थी, लेकिन पिछले दिनों उनका घर में जो भी बर्ताव रहा है, उनकी गेम में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, अब खुद एजाज खान ने उस पर बयान दिया है। चलिए बताते हैं कि क्या है एजाज खान का कहना देवोलीना की गेम पर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नित्यांशी एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंकर नित्यांशी पर फॉलो कर सकते हैं। तो एजाज खान ने रिसेंटली स्पॉट बॉय को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है देवोलीना किस तरह से अपनी गेम अंदर खेल रही है, उनके बर्ताव के बारे में। पिछले दिनों देवोलीना ने इमोशंस में बहकर जो कुछ भी किया, इस बारे में एजाज को कोई आइडिया नहीं था। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली एजाज के क्या वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। एवर सिंस आई केम आउट ऑफ द हाउस आई हैव बीन शूटिंग बैक टू बैक एंड हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस। आई हैव नो क्लू व्हाट देवोलीना इज डूइंग एज माई प्रॉक्सी। आगे उन्होंने कहा है, आई केम आउट ऑफ द हाउस फॉर अ प्रोफेशनल कमिटमेंट विच इज ऑलमोस्ट डन। नाउ द डिस्कशन बिटवीन मी एंड द मेकर्स इज ऑन अबाउट माई री एंट्री। द मेकर्स आर ग्लूड इन टू एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ एज ऑफ नाउ। They know when and where I'm shooting and will decide on my re-entry soon. तो जैसा कि मैंने पढ़ा, एजाज को कोई आइडिया नहीं है कि देवोलीना किस तरह से घर के अंदर बिहेव कर रही हैं, किस तरह से एजाज की गेम को आगे लेकर जा रही हैं। इमोशंस में बहकर उन्होंने पिछले दिनों जो भी कुछ किया अर्शी खान के स्टेटमेंट्स के बाद, इस बारे में एजाज को कोई अंदाज़ा नहीं है। एजाज फिलहाल अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में लगे हुए हैं और मेकर्स के साथ आए दिनों उनकी सिर्फ इसी बारे में डिस्कशंस हो रही हैं कि वो बिग बॉस में री एंट्री कब करेंगे और कैसे करेंगे। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या एजाज खान सही समय पर वापस आकर अपनी गेम बचा लेंगे या फिर मेकर्स देवोलीना को एज अ कंटेस्टेंट ही इस सीज़न में घोषित कर देंगे, क्योंकि फिनाले को अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में देवोलीना का जो बर्ताव है, गेम के प्रति उनकी जो चाल है, वो किस तरह से आगे लेकर जाती है और एजाज उसे घर में आने के बाद किस तरह से संभालते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। खैर, आप जुड़े रहिए फिल्म विंडो के साथ। मैं हूँ नित्यांशी और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आपके लिए यहीं लेकर आऊँगी।